रांची का मैदान है, पहला T20 आए है, हार्दिक पंड्या बतौर कप्तान, सामने वाली टीम का एक नया कप्तान है। हर सीरीज में इनके कप्तान बदलते हैं। टिम साउदी, टॉम लेथम, अब मिचेल सैंटनर कप्तान है। ऋतुराज गायकवाड़ मैंने सुना है कि चोटिल हैं, इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं है। पृथ्वी शॉ टीम में है, लेकिन क्या उनको मिलेगा खेलने का मौका? कौन रन बनाएगा, क्या होगा, पहले बैटिंग बाद में बैटिंग, सबकी बात कर लेते हैं यार। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। माय 11 सर्कल प्रेजेंट्स चोपड़ा जी की चौपाल इन एसोसिएशन विद प्रोवो में आप सभी का स्वागत। और जस्ट इमेजिन करो कि आप ये जो मेरा वीडियो है ये आप आईपैड प्रो पे देख रहे हैं। आईपैड प्रो मतलब बहुत खूबसूरत है, एकदम अच्छी रेजोल्यूशन में सारे कलर जो है आपको अच्छे दिख रहे हैं, बढ़िया से मतलब दिख रहा है। जस्ट इमेजिन दिस, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो फिर आज आपको बताता हूँ आप ये कैसे जीत सकते हैं इन जस्ट रुपीज वन। प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हैशटैग आकाशवाणी पे क्या आ रहा है। हैशटैग आकाशवाणी पे आज हम डिसाइफर कर रहे हैं कि कैसे सूर्य कुमार यादव जो करते हैं वो कैसे कर लेते हैं, मतलब ऐसा शॉट, वैसा शॉट, इधर का शॉट, उधर का शॉट। अ फुल ब्लोन इनसाइडर जो है वो आज उसका हिस्सा है। तो लिंक हम यहाँ डाल रहे हैं, प्लीज डू चेक इट आउट, इट्स अ ब्यूटीफुल शो। और फैंटेसी में आज आपका कप्तान, वाइस कप्तान सेफ कौन सा हो सकता है, डिफरेंशियल पिक कौन सी हो सकती है, उसकी बात भी मैं पीयूष शर्मा के साथ करूंगा, वो कर रहा हूं मैं हैशटैग आकाशवाणी पे। अब आ जाते हैं वापस इस मैच पे। देखिए मैच की तो कहानी ऐसी है कि रांची का मैदान है, धोनी साहब का घर है ये। अब धोनी तो उपलब्ध नहीं है, तो उनका जो शिष्य है वो ईशान किशन यहाँ पे खेलेगा मैच। ईशान किशन का वैसे अगर देखे तो यहाँ पे एक बार उन्होंने रन बनाए थे, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन ईशान किशन पिछले अगर हम 11 मैचेस देखे उठा के तो वहां रन नहीं बनाए हैं। तो ईशान किशन एज गुड अ प्लेयर एज ही इज, T20 आईज में बंदे ने रन अभी पिछले 11 मैचों में नहीं बनाए हैं, आई थिंक 36 इज हाईएस्ट। दूसरा उनके साथ होंगे शुभमन गिल, राइट। शुभमन गिल का क्या है कि बहुत रन बना रहे हैं, एक दोहरा शतक, कई शतक, अनस्टॉपेबल इज लाइक दैट। पर क्या T20 में वैसा खेलते हैं? उस सवाल का जवाब है कि नहीं खेलते हैं, क्योंकि अगर आप उनकी T20 आंकड़े उठा के देखिए, आप उनके T20 का पिछली श्रृंखला देखिए, और लास्ट मैच तक तो ये भी चर्चा हो रही थी कि यार मत खिलाओ यार, ऋतुराज गायकवाड़ को खिला लो, पर लास्ट मैच में उन्होंने थोड़े से रन बनाए, अर्धशतक फिर भी नहीं बनाया, पर रन्स कुछ बनाए थे, 40-42 बढ़ेगा। सो अब सवाल रहेगा कि क्या ईशान किशन और शुभमन गिल की जोड़ी जो है वो ओपन करती हुई नजर आएगी आज, या फिर पृथ्वी शॉ को मिलेगा मौका? मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि ना, भारतीय क्रिकेट में जनरली क्या होता है, माहौल चलता है। माहौल इस समय यह है कि शुभमन गिल हैज टू इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, बहुत रन बना रहे हैं, ही विल बी देयर। सिमिलरली जैसे अब स्काई क्योंकि बहुत रन बना रहे थे इसलिए टेस्ट टीम का हिस्सा है, सरफराज नहीं है। बाय द वे वो वाला शो जो हमने सरफराज के साथ कल बड़ी एक्सक्लूसिव बात की, तो वो भी देख लो हैशटैग आकाशवाणी पर, जियो सिनेमा में फ्री है यार, डाउनलोड कर लो ऐप, फ्री में आप देखो, उसमें ना मतलब एड वैड भी नहीं है, देख प्लीज एडजस्ट कर लो। तो शुभमन गिल मुझे लग रहा है ओपन करेंगे, साथ में होंगे ईशान किशन, पृथ्वी शॉ को अभी मौका नहीं मिलेगा। नंबर 3 पे मुझे ऐसा प्रतीत होता है राहुल त्रिपाठी आएंगे, बाकी टीम आपको पता है, सूर्य होंगे, हार्दिक होंगे, फिर अपना क्या कहते हैं, मसूर होंगे, हार्दिक होंगे, एंड देर इज एक बंदम दीपक हुड एट 5। तो मतलब दिस इज द टीम कॉम्पोजिशन, जिस प्रकार की टीम ये बनेगी। अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये नहीं कि हमारी टीम में कौन कौन है, आई थिंक इससे बड़ा सवाल है कि सामने वाली टीम में कौन कौन है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ₹1 में आप आईपैड प्रो कैसे जीत सकते हैं। मैंने कहा था अगर आप ये देखिए, ये भी देख रहे हैं आप आईपैड प्रो पे, तो कितना खूबसूरत होगा। माई 11 सर्कल माई फेवरेट स्पोर्ट्स फैंटेसी ऐप को आप सिर्फ डाउनलोड कर लीजिए अभी के अभी, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, प्लीज डू चेक इट आउट। उसके बाद एक कॉन्टेस्ट है हमारा जिसमें ₹1 की एंट्री है और इनाम है आईपैड प्रो, ₹1 में iPad Pro। ये सिर्फ इस मैच के लिए है, आपको टीम बनानी है, टीम बनाना बहुत आसान हो गया है, माई 11 सर्कल भी हमेशा से आसान था, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। किसी भी कैटेगरी जैसे यहाँ पे आप क्या करोगे कि यार बैटर्स ज़्यादा पिक कर लेता हूँ, बॉलर्स कम पिक करता हूँ, बाद में जिसकी बॉलिंग हो उसको तो नहीं पिक करता हूँ, दैट काइंड ऑफ थॉट आप यहाँ पे कर सकते हो। कैटेगरी में ऐसे सेक्शन में कितने भी आप खिलाड़ियों को पिक कर सकते हैं, मिनिमम इज जस्ट वन बैटर, वन कीपर, वन ऑलराउंडर, वन बॉलर, दैट्स इट। उसके बाद आप ज्वाइन कर लीजिए और आप ₹1 में आईपैड प्रो जीत सकते हैं, ₹1 में खेल लो, काहे को नहीं खेल रहे हो। और महिंद्रा थार जो है 20 ऐसी हुई वो तो आपको मेगा कॉन्टेस्ट में मिलने ही वाली है, इस पूरी श्रृंखला में मिलने वाली है, तो प्लीज़ वो भी आप कर लीजिए। ₹1500 मिलते हैं आपको साइनअप के ऊपर, तो ये लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, 20% एक्स्ट्रा ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट, ये भी डाल दिया, साथ में अपना कोड AAKSH भी डाल दिया, करो एंजॉय करो, माई 11 सर्कल पे आ जाओ, साथ में खेलेंगे, साथ में जीतेंगे। ये वाला ₹1 वाला कॉन्टेस्ट तो मैं भी ज्वाइन करूँगा, मैं भी करूँ, पक्के से करूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टीम अपनी आपके साथ शेयर करूँगा ऑन माई टेलीग्राम चैनल आफ्टर टॉस, तो वहाँ भी आ जाएगा।
देखिए भारतीय टीम में तो फिर उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद वाशिंगटन सुंदर खेलेंगे, उनको तो खेलना ही है। एक थोड़ा सा सवाल रहेगा कि अब नंबर 8 पे कौन, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी समस्या रहती है। लेट मी जस्ट गो थ्रू द इंडियन स्क्वाड, और बड़े इंटरेस्टिंग रहेगा ये। इंडिया का टी ट्वेंटी आई स्क्वाड में शार्दुल ठाकुर मुझे दिखे नहीं थे, शार्दुल ठाकुर यहाँ है नहीं एक्चुअली। तो शिवम मावी ने क्योंकि पिछली बार जब खेले थे थोड़े रन्स बनाए, तो हो सकता है उनकी तरफ देख ले कि भाई शिवम मावी थोड़ी बैटिंग कर लेते हैं, फिर 9 नंबर पे एक स्पिनर यूजी चहल या कुलदीप में से कोई एक, और फिर 2 फास्ट बॉलर आप खिला सकते हैं, अर्शदीप और उमरान मलिक। आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज। मुझे इस प्रकार की टीम नजर आती है। जितेश शर्मा इस टीम का हिस्सा है, मुकेश कुमार इस टीम का हिस्सा है, पर उनको खेलने का मौका नहीं मिलेगा, और पृथ्वी शॉ नहीं खेलने का मौका मिलेगा, ऋतुराज गायकवाड़ अनअवेलेबल है। पर सामने वाली जो टीम है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उस टीम के अंदर एक तो कप्तान जो है वो मिचेल सैंटनर है, मिचेल सैंटनर कप्तान है भैया। माइकल ब्रेसवेल हैं, लेकिन मार्क चैपमैन भी हैं यहाँ पर, माइकल रिपन भी आए हैं, ये एक बॉलिंग ऑलराउंडर है। डैन क्लीवर का इस टीम के अंदर नाम जोड़ दिया गया, हुज अ विकेट कीपर बैटर। इस टीम में 4 विकेट कीपर बैटर है, 4-4 बोले तो 4-4, फिन एलन, डैन क्लीवर, डेन क्लीवर, डेवन कॉनवे और ग्लेन फिलिप्स। गेंदबाजी के अंदर इश सोडी, होपफुली विल बी फिट एंड देयर, एंड बेन लिस्टर नाम का एक गेंदबाज है, वो भी यहाँ जोड़ दिया गया है, हु इज अ लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर। आई मीन इस टीम में से आधे लोगों को आप नहीं जानते, शायद मैं भी नहीं जानता। अब इस टीम का रिजल्ट क्या हो सकता है, इस मैच में क्या होगा, लेट मी टेल यू। एक्चुअली ओपिनियन है तो प्रोमो पे बताता हूँ ना, अभी क्यों बता रहा हूँ भैया। इंडिया की परफॉर्मेंस देख के तो इस बार मजा ही आ गया यार, बहुत अच्छा कर रहे हैं। पहले श्रीलंका को धोया, अब न्यूजीलैंड को वनडे में हरा दिया, अब आज है पहला T20I मैच न्यूजीलैंड के साथ। तो फिर क्या लगता है क्या होगा इस मैच में, क्या इंडिया जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी? मुझे तो लगता है जीत जाएगी बाबा, जीत जाएगी। चलो मैं अपना ओपिनियन प्रोमो पर देख के थोड़े से रिवॉर्ड भी जीत के तब क्या कहते हो, हमेशा की तरह दैट्स द राइट थिंग टू डू राइट। आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ना कि भाई ये ओपिनियन दे के रिवॉर्ड्स कैसे जीत सकता है कोई, जीता जा सकता है। प्रोमो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सिर्फ हाँ या ना में अपने जवाब देने हैं और आप जीत जाओगे ढेर सारा प्रॉफिट। इसमें हर तरह की कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगी, तो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, अंडरस्टैंडिंग हो, तो उसको सेलेक्ट करके अपना ओपिनियन आप दे सकते हैं। जैसे कि इसमें एक और क्वेश्चन है कि इंडिया टू टेक 2 विकेट्स और मोर इन द फर्स्ट 6 ओवर्स। मुझे लग रहा है नहीं मिलेगी शायद, मुझे लगता है नहीं मिलेगी, तो मैं इसमें 9 सेलेक्ट करके थोड़ी सी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देता हूँ ताकि मेरा प्रॉफिट भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। पर यू थिंक अबाउट इट, ओके? और आपका क्या ओपिनियन है ऐसे आसान से आसान सवालों का? तो पर आप भी अपनी ओपिनियन दे के पैसे कमा सकते हैं, और जीते हुए पैसों को फटाफट से मैं विड्रॉ भी कर लेता हूँ वाया पेटीएम, गूगल पे, कार्ड के जरिए विड्रॉ करना बहुत आसान है। तो फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के साथ जाइए, डाउनलोड कीजिए मेरे, अगर लिंक से जाएंगे तो फिर अप टू 25 आपको मिलेंगे, एंड डाउनलोड करके ओपिनियन दीजिए और ओपिनियन का सही इस्तेमाल करो प्रोवो का फटाफट से, एंड इन्वेस्ट वाइजली, प्ले सेंसिबली ऑलवेज। हाँ जी, प्रोवो का लिंक कर लीजिए फटाफट से, अपनी ओपिनियन को जरा वॉइस कर लीजिए। आई होप यू डू वेल। पर इस टीम के अंदर समस्या है कि इतनी खूबसूरत जो टीम हुआ करती थी, इतनी ताकतवर टीम हुआ करती थी, उतनी अब ये बची नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इट इज़ बिकम अ स्लाइटली वीकर यूनिट व्हेन यू लुक एट द न्यूजीलैंड आउटफिट। ऐसा लगता है कि टीम में उतना दम खम नहीं है। सिर्फ डेवन कॉनवे ने अभी पीछे में 100 बनाया, तो हो सकता है 100 यहाँ पे बना दे। मैदान पे यहाँ पे क्या होता है अमूमन, जो टॉस जीतता है वो पहले गेंदबाजी का फैसला करता है, क्योंकि बाद में बहुत ड्यू आती है। सी ईस्ट ऑफ इंडिया में 7 बजे का स्टार्ट है मैच, तो 8-8:30 बजे तो एकदम हो सकता है बहुत ही ड्यू आ जाए, मतलब पानी हो जाए बिल्कुल। तो पानी पानी होने से अच्छा आप क्या चाहते हैं कि हम पहले बॉलिंग कर लें, और अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो मिचेल सैंटनर और इश सोडी दोनों का जो कद है थोड़ा सा बढ़ जाता है। लॉकी फर्ग्यूसन खेलेंगे, अब उनके साथ कौन खेलेगा इट इज़ एनीबडीज़ गेस, क्योंकि बॉलर तो बहुत सारे हैं। जेकब डफी भी है जिन्होंने लास्ट मैच में 3 विकेट ली थी, हेनरी शिपली भी है, ब्लेयर टिकनर भी हैं, वही किसी को भी खिला सकते हैं क्योंकि विकल्प तो है, पर इनमें से लॉकी फर्ग्यूसन इज़ दी ओनली बॉलर जिससे थोड़ा सा आपको घबराने की आवश्यकता है। बाकी गेंदबाजी में देखिए डैरल मिचेल भी हैं, जो थोड़ी सी वो ऑफ स्पिन जैसी आके दौड़ के आते हैं पर ऑफ स्पिन डालते हैं, उनको गेंदबाजी आप करा सकते हैं। उसके बाद माइकल रिपन अगर खेलते हैं, ही इज ऑल्सो बोलिंग ऑलराउंडर। बैटिंग के अंदर एक बार फिर फिन एलन की तरफ आप देखेंगे जरूर, पर फिन एलन की प्रॉब्लम क्या है, फिन एलन जो है वो लेफ्ट आर्म के सामने आउट हो जाते हैं, बिल्कुल ऊपर की गेंद डालो उनके पैड पे लगती है, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय। ग्लेन फिलिप्स से आप उम्मीद करेंगे कि थोड़े रन्स बनाए, आप उम्मीद करेंगे डेवन कॉनवे से कि वो थोड़ी बड़ी पारी खेलें, पर जो टॉस जीतेगा सिग्निफिकेंट एडवांटेज। एक्चुअली अगर टॉस जीतता है भारत तो 70-30 इन फेवर ऑफ इंडिया, 80-20 भी कह सकते हो आप। अगर भारत टॉस हार जाता है तो 55-45 इन फेवर ऑफ इंडिया, मतलब हमारे पूरे फेवर में रहने वाली है इस पूरी टीम, क्योंकि ये जो मैच है, क्योंकि मुझे सामने वाली टीम है ना
उतना दमखम नजर नहीं आ रहा है। और अगेन दस क्वेश्चन इज कि भारत से आप क्या उम्मीद करते हैं। भारत से मोर ऑफ द सेम यार, हार्दिक पांड्या के अंडर खेल रहे हैं सारे, दिल खोल के बल्ले चलाते हैं, लप्पे मारते हैं, सब कुछ अच्छा रहता है। मैं तो आई लाइक दैट ब्रांड ऑफ क्रिकेट, इज जस्ट दैट जो भी रन बना रहा है उसको ये थोड़ा सा मैंडेट होना चाहिए कि जस्ट लर्न फ्रॉम से जॉस बटलर। जॉस बटलर इज माई फेवरेट प्लेयर वेन इट कम्स टू T20 की बैटिंग का जो टेम्पलेट है, नोबडी प्लेज इट बेटर। जब उनका आइडिया हो जाता है ना, मेरे 5 10 15 20 25 रन बन गए, उसके बाद ऐसी बैटिंग करते हैं कि एंड तक खेलते रहते हैं, धोते रहते हैं आपको, पर लगता नहीं है कि रिस्क उठा रहे हैं। सो दैट्स द काइंड ऑफ थिंग दैट आई वुड वांट फ्रॉम द इंडियन बैटर्स। पर अभी युवा है थोड़े से, तो थोड़ा सा दे गेट कैरिड अवे, मारने जाते तो मारते ही रहते हैं, रुकते ही नहीं है। सो वी शैल फाइंड आउट। वॉशी के लिए अच्छी ये अपॉर्चुनिटी, अपने सामने 3-4 लेफ्टी भी होंगे, और क्योंकि अक्षर नहीं है तो वॉशी के खेलने के और अच्छा करने के चांसेस थोड़े ब्राइट हो जाते हैं। दीपक हुडा को बॉलिंग मिल सकती है बाय द वे यहाँ पे, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि सामने इतने सारे लेफ्टी हैं और हार्दिक पांड्या बहुत बार ऐसा करते हैं। लास्ट टाइम वो जो 4 विकेट ली थी इन्होंने, आई थिंक माउंट बैंगन हुई, वहाँ पर भी दीपक हुडा को पकड़ा, दी बॉल डाल ले भाई, और सडनली सबकी फैंटेसी की जो थी वाट लग गई। पर आज के लिए, अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी। यू वाचिंग माय 11 सर्कल प्रेजेंट्स चोपड़ा जी की चौपा ऑल इन एसोसिएशन विद प्रोबो, दोनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, माय 11 सर्कल प्रोबो दोनों डाल दिया। और सूर्य कुमार यादव क्या करते हैं, कैसे कर लेते हैं आज के कप्तान वाइस कप्तान आपके कौन होने चाहिए, इफ़ यू वांट द फैंटेसी टिप्स, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि सूर्य कैसा करते हैं, क्यों करते हैं, तो फिर प्लीज़ आकाशवाणी # आकाशवाणी। पहले एपिसोड में कौन था, सूर्य कुमार यादव। दूसरे एपिसोड में कौन था, सरफराज खान। तीसरे एपिसोड में कौन है जो आज आया है, वो है कि भैया सूर्य कुमार यादव कैसे कर लेते हो, जो करते हो कैसे करते हो।